प्रेज लॉर्ड हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्ति मान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया, मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमें 1 साल 2023 अक्टूबर 1 तारीख आशीष करके दिया है रविवार को कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सकें, आराधना कर सकें। इस सुंदर अवसर के लिए हम उसके दिल से धन्यवाद कहें। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, हमें संभाले रखा, उसके लिए अपने हाथों को उठा कर धन्यवाद कहें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, सितंबर के पूरे महीने के अद्भुत तरीके से प्रभु ने चलाया, श्रेष्ठ तरीके से, आश्चर्य तौर से चलाया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहिए। धन्यवाद पिता, प्रभु आपने सितंबर के महीने अद्भुत तरीके से हमें चलाया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया, प्रभु आज के दिन हमें आप संभालते हैं, और कल रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद, समाधान के साथ चलाया उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु। आज के दिन जो आपने हमें जगाया आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के दिन यीशु मसीह में हमें जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी सभी जरूरतों को जानकर आप हमारे परिपालन करते हैं, स्वर्गीय पालन के साथ आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आज के दिन जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं पिता, आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा दया के लिए धन्यवाद। आप विश्वासियों के हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आप कभी बदलते नहीं हैं, आप हमारे लिए काफ़ी है प्रभु। हालेलुया, जैसे संगीतकार भजन संहिता 84 में कहते हैं, हे सेनाओं की यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों ही जीवते ईश्वर को पुकार रहे। 14 वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। आमेन। आइए आपको बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाले रखा पिता, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद ली, आरोग्य के साथ आप हमें जगाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु आपकी बड़ी दिव्य कृपा रहे प्रभु, आपकी उपस्थिति उनकी ज़रूरतों पे आप बनाए रखें पिता। प्रभु आप उनकी चीज़ों को पूरा करके देते हैं, उसके धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित थे यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई दे पिता। हाथ पैरों में जो परेशानी है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हाथ पैरों की उंगलियों में जो वो मोड़ नहीं पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई प्राप्त करें। उंगलियों में जो सूजन है यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। हालेलुया, पूर्ण आरोग्य प्राप्त करें। आप चंगाई भेजते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आज के दिन जो चंगाई आपने डाली है उनके शरीर में, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही पैरों में जो निजभाग में जो परेशानी है, जो त्वचा निकलने के कारण जो दर्द से जो पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया, वैसे हम प्रार्थना करते हैं जिनको भी फिट्स की जो बीमारी है, मिर्गी के जो रोग है यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। जो उसके लिए दवाई ले रहे हैं, जो बच्चे हैं या बड़े जो है, उन सबको यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग की शक्ति यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए, आपके बच्चों को चंगाई मिले। प्रभु आप उनको आरोग्य देते हैं, उसमें से पूर्ण छुटकारा आपके बच्चों को मिल गई, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। पूर्ण स्वतंत्रता यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। हालेलुया, आर्थिक विषय में जो भार से प्रभु आप उनके रास्ता खोले पिता। जिनको नौकरी नहीं है आप उनके रास्ता खोले पिता, उनकी सभी ज़रूरतों को आप पूरा करें। आपके नाम की महिमा उनके जीवन में होती है, उसके लिए धन्यवाद पिता। परिवार में समाधान आप दे पिता, आप हर एक जो आश्चर्य कर्म करते उसके लिए धन्यवाद। आपका नाम ऊंचा रहे प्रभु, ये नए महीने आपके बड़ी परिपालन को अनुभव करने में सहायता करें। प्रतिदिन आपकी जो परिपालन है आपकी करुणा को अनुभव करते हुए जीने में सहायता करें। अक्टूबर के महीने आपके दिव्य अनुग्रह, दिव्य करुणा, आपका जो दिव्य परिपालन है उसका अनुभव करने में आप सहायता करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं दुनिया भर में जो
खली से इकट्ठा होती है, वहाँ पे प्रभु आपकी बड़ी प्रवृत्ति हो, आप अभिषिक्तों को आप इस्तेमाल करते हैं अपने हाथों से, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी बड़ी महिमा आज हम की मीटिंग में भी हो, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की बड़ी कृपा आपके साथ बनी रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको परमेश्वर ढांपे रहे, हालेलुया। और आज शाम को नियत समय 8:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, तो आप सब उसके भागी बने, हालेलुया। तो आप आज के दिन मीटिंग के भागी बने ताकि हम साथ में परमेश्वर स्तुति कर सके, आराधना कर सके, धन्यवाद दे सके। तो कल शाम को मीटिंग नहीं रहेगा, आज शाम को मीटिंग रहेगा, हालेलुया। तो निश्चय तौर से आप उसके भागी बने करके हम आपको प्यार से याद दिलाते हैं। आइए वचन का ध्यान देंगे। ये जो महीने का पहला दिन है, परमेश्वर हमें सिखाते हैं भजन संहिता 136 में से कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। इस अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो हम हर दिन हमेशा हर चीज़ों में हमारा परमेश्वर कितना भला है और उनकी जो स्तुति करने के बारे में और धन्यवाद हम करने के लिए हमें मौका मिलता है। हालेलुया। जिसे यहाँ पे लिखा है, जो ईश्वर का परमेश्वर है उसको धन्यवाद करो। हालेलुया। जो प्रभु का प्रभु है उसको धन्यवाद करो। उसको छोड़कर कोई बड़े काम नहीं करता, उसके लिए धन्यवाद करें। उनकी करुणा जो सदा की है, हालेलुया। ऐसे हर एक चीज़ों को बोल बोल के हम प्रभु की स्तुति करते रहे, हालेलुया। तो हम निरंतर परमेश्वर की स्तुति करने वाले हो हमारे जीवन में, हालेलुया। क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद और स्तुति के साथ हम प्रवेश करें करके हमसे चाहते हैं। तो ये नए महीने जब हम प्रार्थना करते हैं उससे भी बढ़कर हमें ये पूरे साल भर जो है 2023 तक परमेश्वर ने हमें संभाला, हर एक महीने परमेश्वर ने हमें संभाला। ऐसे गिन गिन के हम एक एक समय को याद करते हुए हम उसको अलग करके हम परमेश्वर की स्तुति करते रहे, हालेलुया। ताकि ये आने वाले 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने परमेश्वर के दिव्य अद्भुत कार्य को अनुभव करने के लिए प्रार्थना करें और धन्यवाद दें, हालेलुया। तो हम ये जो नया महीना जो मिला है उसके लिए हम धन्यवाद कहें। कि पारिवारिक तौर से हमें जो आपने चलाया उसके लिए धन्यवाद। इस देश में आपने हमें खड़ा किया उसके लिए धन्यवाद। हमें ज़रूरत किया आपने, हमें सब कुछ पूरा किया उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें अच्छा आरोग्य दिया, आपने अच्छे वस्त्र दिए उसके लिए धन्यवाद। हमें एक घर दिया उसके लिए धन्यवाद। आपने पानी पीने के लिए दिया उसके लिए धन्यवाद। आपने जो बिजली दी उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य दिए उसके लिए धन्यवाद। मैंने हमारे बच्चों को स्कूल जाने में आपकी सहायता की उसके लिए धन्यवाद। ऐसे मिले हुए हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद दे। आपके घर में या आपके जो पड़ोसियों के घर में जो आप भलाई देखते हैं वो देख के आप ये ना बोले कि अरे उनको मिला मुझे नहीं मिला, वो ध्यान ना देते हुए आपको जो भलाई जो मिली है उसको आप एक एक करके आप लिखे एक कागजात में, हालेलुया। हर एक महीने जो प्रभु ने आशीष दी है उसको बोल बोल के आप फिर धन्यवाद दे, हालेलुया। ऐसे एक दिन आज 1 तारीख को आप बना दे, धन्यवाद का दिन बना दे, हालेलुया। परमेश्वर ने जो व्यापार दिया उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर दिया वो भलाई के लिए धन्यवाद दे। परमेश्वर ने जो तनख्वाह दिया उसके लिए धन्यवाद दे। शायद आपको अलग अलग जगह पर जाने का मौका मिला उसके लिए धन्यवाद दे। परमेश्वर ने जिस तरीके से आपको चलाया उसके लिए आप धन्यवाद करें। ऐसे कि करके आप याद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, गीत गा के परमेश्वर की स्तुति करें, एक एक चीज़ से परमेश्वर को बोल के आप धन्यवाद कहें कि परमेश्वर आपकी करुणा रही, आपकी कृपा रही, हालेलुया। ऐसे एक एक चीज़ों को बोल के आप धन्यवाद दें। चुपचाप आप ना बैठे लेकिन गिन गिन के आप स्तुति करने वाले बने, हालेलुया। मैं अगर आप उसको अभ्यास में लाते हैं तो आपका ये महीना असाधारण होते हुए आप देखोगे, परमेश्वर को स्तुति करने वाले हो। जब आप धन्यवाद देते हैं तो उसका एक कारण लेके आप धन्यवाद दे, दिए हुए वस्त्र के लिए धन्यवाद दे, जो दिन प्रतिदिन जो आहार हमें मिला उसके लिए धन्यवाद दे, आराधना करने के लिए पवित्र सभा में जाने का जो स्वतंत्रता मिली उसके लिए धन्यवाद दे, हर एक महीने जो तनख्वाह मिली उसके लिए धन्यवाद दे। शायद आपको 2 महीने तनख्वाह जो नहीं मिला है उसको उसके लिए भी धन्यवाद कहे, और जो पिछले 7 महीने जो तनख्वाह मिला उसके लिए धन्यवाद कहे, और आने वाले जो ये महीने जो आपको तनख्वाह परमेश्वर आपके लिए खोल के देते हैं उसके लिए धन्यवाद कहे, हालेलुया। और जो रुका हुआ जो पैसे हैं वो आपको इस महीने मिलेंगे, और जो भलाई आपको मिलनी है उसके लिए भी धन्यवाद देते, हालेलुया। आराधना जो है वो एक चाबी जैसा है जो परमेश्वर के आशीष को आकर्षित करता है। तो ये पहले दिन जो महीना के आप
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को आप आकर्षित करते हैं, और परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर आपको आशीष के भंडारों में आपको लिए फिरेंगे, और वो दरवाज़ा जो भंडार का है वो आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। तो ये जो महीना जो है आप परमेश्वर की स्तुति करने के लिए ही ये दिन को आप अपने आप को समर्पित करें, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, प्रार्थना करने से बढ़कर परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला दिन बनाए। हालेलुया। परमेश्वर को आशीषित करें, इसका प्रैक्टिस करें धन्यवाद देने का, और हम साथ में एक साथ ये महीने को आशीषित करते हुए हम एक साथ ये साल ये महीने को हम प्रवेश करेंगे शाम को। हालेलुया। तो मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हमारे मीटिंग परमेश्वर के नाम से हमारे बेटे और बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। हालेलुया। हम मेरे साथ का है कि हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।